साथियों, हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सर्किट समझने जा रहे हैं और उससे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को उसका वर्किंग प्रिंसिपल जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप लोगों में से बहुतों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि जिनको नहीं पता हो उन्हें भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उन्हें आगे चलकर ये इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या क्या होता है। तो ये रहा इसका, ये इस तरह से खुलेगा। यही है कॉइल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। ये रहा, ठीक है, ये इसका कॉइल वोल्टेज है, 110 वोल्ट दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। और ये इस पर फिक्स होता है कॉइल जाकर, और उसके ऊपर हमारा ये वाला पोर्शन लगता है, इसको मूविंग मैग्नेट बोलते हैं। इसी के ऊपर सारे कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, ये देखो इस तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं और यही कॉन्टैक्ट, इनको कहते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो ये पूरा पोर्शन नीचे जाकर कॉन्टैक्ट को मेक करता है और जब वापस ऊपर आता है तो ये ओपन हो जाता है। इस तरह देखो आप, ठीक है। तो अब हम इस पर मल्टीमीटर लगा के भी देखते हैं। जैसे मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट किया है और कंटिन्यूटी पे सिलेक्शन दिया है, अब जब भी मैं इस कॉन्टैक्ट को मेक कर रहा हूँ यानी क्लोज कर रहा हूँ तो मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे जाकर कॉन्टैक्ट को क्लोज कर रहा है, एक दो तीन, तीनों फेज के लिए, ठीक है, यानी तीन स्विचेस R, Y, B यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे भी देखिए स्प्रिंग लगे हुए हैं, इसकी वजह से ऊपर वाला कॉन्टैक्ट, ऊपर वाला मैग्नेट का हिस्सा जो ये है, ये ऊपर उठा रहता है और इसमें भी स्प्रिंग है। तो ये देखिए स्विच को मैंने ऑन किया, पावर दे दिया है, ये देखिए मैग्नेट बन रहा है, ठीक है ना। जब जब पावर ऑन करते तब तब ये मैग्नेट बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो किस तरह से कॉइल में जैसे ही सप्लाई जाती है तो कॉइल के नीचे जो मैग्नेट है, फिक्स मैग्नेट मतलब वो लोहा ही है, वो मैग्नेट बन जा रहा है। ये देखिए कॉन्टैक्ट मेक एंड ब्रेक हो रहा है बिल्कुल, मैंने पूरा हिस्सा जोड़ दिया है, ये आपके सामने दिख रहा है आर वाई बी। जब भी मेक एंड ब्रेक यानी इसको सप्लाई मिल रही है, क्लोज और ओपन हो रहा है। तो इस तरह से मैग्नेट काम करता है। और ये मैग्नेट कब बनता है, जब इस कॉइल को सप्लाई मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि कॉन्टैक्टर वर्क कैसे करता है। मल्टीमीटर लगा के भी देख लेते हैं फिर से, अभी ये क्लोज है, ये ओपन हो गया, फिर से स्विच ऑन किया हमने, क्लोज, ये ओपन।